आप सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को, व्रतियों को, श्रोताओं को, आप सभी को सूर्य भगवान। छठ का महापर्व और दिल्ली वासियों की घाटों पर धूम। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित विपिन गार्डन में 2 अक्टूबर शनिवार की शाम को छठ पर मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यह छठ पर्व का आयोजन पिछले 10 सालों से शिव मंदिर समिति द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही उत्तम नगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के महासचिव गोविंद जसवाल ने बताया कि पूर्वांचलियों के लिए छठ पर्व का क्या महत्व है। यहाँ पे पिछले 10 साल से शिव मंदिर समिति इतना बढ़िया आयोजन करता है कि देख के जो है गांव का भी जो है याद जो ताजा हो जाता है। आजकल दिल्ली में ये छठ पर्व जो है दिवाली और होली से भी बढ़िया मनाया जाता है। ये सब जो है हम सब लोगों का जो है आपस में वो हीरो एकता दर्शावेला। गांव में भी जन हम लोग जब हमनी के छुट्टी होत रहा छठ का तो जात रहनी जा तो गांव में जन अपने भाई से अपने दोस्त से मिलने का ये सब बहाना रहत रहा। तो देख के आजकल जो जैसे नैजा मनाया जाता जैसे गांव में मनाया जाता रहा वैसे यही मनाया जाता। ये सब देख के ऐसा लगा था कि हमने के गांव में नहीं यही जाता है गांव में सादा लोग बनी जा। और ये विपिन गार्डन एक्सटेंशन तो पूरा अपन गांव जैसे ही लगेला गांव से बढ़िया लगेला। काहे कि ऐसा सब अपन बोल चाल वाला अपन भाषा वाला लोग जो हम रहेला देख के जो है बाहर का भी लोग जो है जो दूसरे जगह रहेला अपन तरह का लोग वो लोग जो है विपिन गार्डन स्टेशन में जो है आवे के जो चाहेला। तो हम अपने पूरे टीम की तरफ से अपने शिव मंदिर समिति के धन्यवाद करते नहीं कि इतना बढ़िया आयोजन पिछले 10 साल से ही लोग करा था। एक खातिर जो ना इस समिति के पदाधिकारीगण हमारे इसके अध्यक्ष श्री लायग्राम प्रधान जी हैं उनका भी बहुत सहयोग रहेगा। जो महासचिव एक दयाराम गुप्ता जी हैं उनका भी बहुत योगदान रहेगा कि सुबह से लेकर शाम तक जो ना हमारे तिवारी जी शंकर भाई शैलेश जी पीयूष जी अपने जो है मनोज जायसवाल जी दीप शेखर जी और अपन संतोष भाई इन लोग सब लोग ऐसा जुड़ल रहेला कि लग रहा जैसे जो ना कि गांव में जो होत रहा कि जो ना गांव में जाके आदमी एकजुट मिल के जो ना कोनो कार्यक्रम के आयोजन करत रहेला वैसे लोग करेला। एक खातिर हम समिति के आ समिति के सब पदाधिकारी के जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जब एएसजी न्यूज ने बात की गोविंद जसवाल से तो देखिए उन्होंने क्या कहा। छठ का त्यौहार जो है हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है महाभारत काल के टाइम से जो है जो कर्ण जी जो हैं हमारे जो दानवीर कर्ण थे उन्होंने जो सूर्य की जो है आराधना करते थे और सबसे पहले जो सूर्य को सूर्य नमस्कार करते थे। तब से जो है
इस देश के अंदर जो है ये प्रथा चली आ रही है। और हम लोग भी जो है पिछले जब से मैं भी 40-42 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरी माँ जो है पिछले 50 साल से जो इस व्रत को करती आ रही है। बिहार से इस संस्कृति का हमारे देश में जो है शुरुआत हुई है छठ की। पहले लोग क्या होता था कि बहुत कम लोग जो है इसको जब मनाते थे, घर के बुजुर्ग जो स्टार्ट करते थे, आते थे शाम को जो है नदी पे जाते थे, और जब तक सूर्यास्त नहीं होता था तब तक वहाँ पे नदी पे जो रहते थे और सूर्य को नमस्कार करते थे, अर्घ देते थे। और अगले दिन सुबह भी जो है घर के सभी परिवार अपने जो है मित्रों और सहयोगियों अपने रिश्तेदारों के साथ जो पड़ोसियों के साथ में जो है दोबारा छठ मंदिर यहाँ पे जो है नदी पे आते थे और सूर्य का अर्घ देते थे। सूर्य को प्रणाम करने वाला ये पहला त्यौहार है। उगते हुए सूरज को भी लोग इसमें प्रणाम करते हैं और जो है डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करते हैं। ये जो है इतनी बड़ी त्यौहार हो रही है हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, कि जहाँ जहाँ हमारे पूर्व के लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रह रहे हैं, वो लोग जो धूमधाम से इस त्यौहार को मना रहे हैं। सही मायने में ये जो है त्यौहार जो है एक एकता का त्यौहार था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि हम लोग भी पहले दिवाली में जो है घर जाते थे और छठ में जो है वहाँ पे सभी दोस्त रिश्तेदार मिलते थे, जो दूर दूर से जो लोग नौकरी करते थे वो लोग अपने गांव आते थे और छठ में जो है तो घाट पे जाते थे, तो जो है एक दूसरे से जो मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे, एक दूसरे से मिलने का एक त्यौहार है। तो मुझे लगता है कि आपसी मिलन का भी एक त्यौहार है छठ का त्यौहार। और जिस तेजी से छठ का त्यौहार जो है पूरे देश में और विदेशों में मनाया जा रहा है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो है इस देश के अंदर भी छठ को जो है एक जो है ऑफिशियल, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो है ऑफिशियल छुट्टी की घोषणा की है, हमारे यूपी बिहार में भी छुट्टी होती है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में भी इसको गेस्टेड हॉलीडे कर दिया जाएगा। धन्यवाद। दिल्ली और NCR की सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ASG News और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े ASG News नेटवर्क के साथ।